अब दुख दूर भगेगा होगी खुशियों की छाया ना बचेगा संकट बाकी होगी खुशहाल ये काया कोई कष्ट नहीं अब बाकी होगा मेरा जीवन अब सवरेगा दिन मेरे भी सुधरेंगे जब गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा पूज्य गुरुजी एक ही आशा करना बेड़ा पार हमारा हम पर भी कृपा करना खुश हो संसार हमारा जय गुरुदेव भाग्य दर्पण उम्मीद की एक किरण जय श्री राम बात की थी पिछले पार्ट में पहले पार्ट में बुद्ध के गोचर की जो कि 1 अप्रैल 2021 से होने जा रहा है बात की थी हमने पहली चार राशियों की आज बात अगली चार राशियों की कैसा रहेगा आपके लिए गोचर क्या लेकर के आने वाला है कितना फायदेमंद साबित होगा और किस चीज को लेकर के सतर्क रहना है राशि चक्र की अगली राशि यानी सिंह राशि की हम बात करेंगे। सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि के जातकों के लिए बुद्ध देव आपकी राशि से आठवें भाव में प्रवेश करेंगे और यहां बुद्ध का नीचे राशि में होना आपके लिए थोड़ी परेशानियां लेकर के आ सकता है जरूर पैदा कर सकता है लेकिन फिर भी इस गोचर से आपको अनुकूल परिणाम अवश्य मिलेंगे आपकी राशि के लिए बुद्ध दूसरे और ग्यारहवें भाव के स्वामी होते हैं जिसकी वजह से गोचर आपको कुछ आर्थिक तंगी दे सकता है व्यापारी जातकों के लिए बिजनेसमैन लोगों के लिए थोड़ा धीरे चलते हुए किसी भी बड़े निवेश से दूर रहने की सलाह दी जाती है अन्यथा यह बदलाव आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है वहीं शेयर बाजार से जुड़े जातकों को भी इस दौरान सावधानी बरतने की बेहद आवश्यकता होगी अगर जरूरी ना हो तो भी शेयर बाजार से 16 अप्रैल तक दूर ही रहें तो बेहतर होगा साथ ही इस समय अपनी संगति का भी विशेष ध्यान रखें अन्यथा आपकी छवि को आपकी इमेज को नुकसान पहुंच सकता है आर्थिक जीवन में आपके खर्चों में वृद्धि होगी क्योंकि आप अपने मित्र और कारोबारियों पर जरूरत से ज्यादा खर्च करते दिखाई देंगे ऐसे में अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें हालांकि शादीशुदा जातकों को अपने जीवन साथी और ससुराल पक्ष से कोई बड़ा लाभ मिलने की भी संभावना है क्या उपाय करना है सिंह राशि वाले जातकों को जरूरतमंदों को शिक्षा की सामग्री भेंट करना इस गोचर के दौरान आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा किसी गरीब बच्चे की शिक्षा स्पॉन्सर कर दें आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा राशि चक्र की अगली राशि यानी कन्या राशि की हम बात करेंगे आपकी राशि के स्वामी बुद्ध महाराज आपके सातवें भाव में गोचर करेंगे जो कि वैवाहिक जीवन जीवन साथी और साझेदारी और काफी हद तक व्यवसाय का भाव भी होता है इसके साथ ही आपके दसवें भाव के स्वामी भी हैं बुद्धदेव इसलिए आपके लिए बुद्ध का यह गोचर बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होगा इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने कार्य क्षेत्र पर उत्तम फलों की प्राप्ति होगी क्योंकि इस दौरान आप हर कार्य को व्यवस्थित और संरचना करने की अपनी क्षमता को सुधारते हुए अपने कार्य क्षेत्र पर लाभ और उन्नति प्राप्त करने में सक्षम होंगे इस समय आपको अपनी कड़ी मेहनत के चलते वेतन वृद्धि और पदोन्नति मिलने के भी योग बन रहे हैं व्यापारी जातक भी गोचर काल के दौरान बढ़ चढ़कर अधिक सक्रियता के साथ हर कार्य में हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे जिसके चलते उन्हें अपने अच्छे संचार कौशल की मदद से कई मुनाफेदायक सौदे और बेहतर साझेदारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी ऐसे में बुद्ध के गोचर से मिलने वाला हर शुभ अवसर का उचित लाभ उठाने के लिए आपको अपने इस स्वभाव में बदलाव करने की काफी आवश्यकता होगी हालांकि प्रेम संबंधों के लिए यह समय सामान्य से बेहतर ही साबित होगा क्योंकि आपको अपने और साथी के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने में सफलता मिलेगी साथ ही आपको इस अवधि में अपने पिता के साथ संबंध बेहतर करने में भी सफलता मिलेगी कुल मिलाकर कहें तो बुद्ध के गोचर काल की अवधि आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर के आएगी क्या उपाय करना है कन्या राशि वाले जातकों को बुद्ध के शुभ परिणामों की प्राप्ति के लिए बुधवार के दिन अपने दहिने हाथ की छोटी उंगली में चांदी या सोने में अच्छी गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न धारण कर लें, लेकिन उससे पहले किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह अवश्य ले लें गणेश जी को पान का भोग लगाना भी आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है बात करेंगे राशि चक्र की अगली राशि यानी तुला राशि की बुद्ध का गोचर आपकी राशि से छठे भाव में होगा इस भाव में बुद्ध का गोचर आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगा क्योंकि यह आपकी कुंडली के नौवें और बारहवें भाव का स्वामी भी है इसके साथ ही राशि के भाग्य स्थान के स्वामी बुद्ध का छठे भाव में जाना उनकी पीड़ित अवस्था को दर्शाता है ऐसे में कार्य क्षेत्र पर आपको सफलता पाने के लिए गोचर काल के समय अधिक प्रयास और मेहनत करने की आवश्यकता होगी करनी पड़ेगी तुला राशि के जातक सामाजिक होने के साथ साथ भरोसेमंद भी होते हैं विश्वास पात्र होते हैं इसलिए आपको इस गोचर के दौरान अपनी सभी गुप्त बातों और नीतियों को हर किसी के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं है बहुत सतर्क रहना होगा हर किसी के साथ साझा न करें ऐसा ना हो संभव है कि आपके दुश्मन आपकी किसी कमजोरी का फायदा उठाकर आप पर हावी होने का प्रयास करें इसके साथ ही आपको इस दौरान हर प्रकार के वाद विवाद तर्क और मतभेदों से भी दूर रहने की आवश्यकता है आपके खर्चों में भी वृद्धि देखी जाएगी इसलिए खुद को शांत रखते हुए इस समय अपनी आय और खर्चों के बीच तालमेल बिठाना आपके लिए उचित रहेगा आपके लिए अच्छा रहेगा साथ ही इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के ऋण और कर्ज लेने से परहेज करें अन्यथा भविष्य में आपको उस कर्ज को चुकाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है सेहत के लिहाज से आपको अपने खाने की खराब आदतों का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी उचित आराम करें एक्सरसाइज करते रहें क्योंकि आपकी प्रतिरोधक क्षमता आपकी इम्यून सिस्टम में कमी आने का कारण दिख रहा है जिससे आपको कोई ना कोई संक्रमण का खतरा लगा रहेगा क्या उपाय करना है तुला राशि वाले जातकों को किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर निकलने से पहले इलायची के बीज चवाना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा किसी भी कार्य को निकलने से पहले दो काली मिर्ची तीन काली मिर्ची लेकर के इनफैक्ट अपने सर के ऊपर से पीछे फेंक करके आगे चले जाए उस कार्य के लिए तो कार्य सिद्धि के ज्यादा योग बनेंगे राशि चक्र की अगली राशि यानी वृश्चिक राशि की हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों को इस दौरान किसी भी प्रकार के सट्टे या गैर कानूनी गतिविधियों से बचकर रहने की बहुत आवश्यकता होगी क्योंकि इस समय बुद्ध देव अपना गोचर करते हुए आपके पांचवें भाव में प्रवेश करेंगे वो जहां पांचवें भाव में अपनी नीच राशि में स्थित होंगे ऐसे में यह समय शेयर बाजार व्यापार आदि से जुड़े जातकों के लिए प्रतिकूल होगा बहुत अच्छा नहीं होगा हालांकि आपकी राशि के लिए बुध ग्रह आपके आठवें और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं इसलिए इस गोचर के परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा का अध्ययन करने वाले छात्र खासतौर से वो छात्र जो पीएचडी या या किसी रिसर्च शोध कार्य से जुड़े हैं उनके लिए यह समय बेहद फायदेमंद बेहद उत्तम होने वाला है व्यापारी जातकों के लिए भी यह समय लाभ और मुनाफा लेकर आएगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहने की प्रबल संभावना है हालांकि प्रेम संबंधों के लिए समय थोड़ा प्रतिकूल हो सकता है इस समय आप अपने प्रिय या साथी के साथ अपनी भावनाओं और प्रेम को व्यक्त करने में थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हैं बावजूद इसके जहां कभी कभी आपके स्वभाव में मधुरता गर्मजोशी या उदारता देखी जाएगी तो वहीं बीच बीच में आप थोड़े अहंकारी और खुद को दूसरों पर हावी रखने का प्रयास भी करेंगे ऐसे में गोचर काल के दौरान अपने साथी के प्रति अपने व्यवहार और दृष्टिकोण में सुधार करने की आपको बहुत आवश्यकता है क्या उपाय करना है वृश्चिक राशि के जातकों को तुलसी के पौधे में नियमित रूप से जल चढ़ाएं और तुलसी में रविवार छोड़ करके बाकी दिन तुलसी के नीचे एक दिया शुद्ध देसी का अवश्य जलाना शुरू कर दें चीजें आपकी बेहतर होंगी बहुत बहुत आभार अगले पार्ट में अगली चार राशियों की फिर से हम बात करेंगे इसी गोचर के लिए आपको मिलते हैं अगले पार्ट में तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम